माय चैनल मैं हूँ रिचा। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक रिमूवल टेस्ट करने वाली हूँ, मतलब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 10 रिमूवल है ये। मैं आप इसको फेस पर भी कर सकते हो, आप जहाँ पर आपको टैनिंग हो रखी है आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। और ये रिमूवल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल वे में बन जाता है और बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। जैसे ही हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो रिमूवर है बहुत ही सिंपल है, आपको सारी इमेज घर पर ही मिल जाएंगे। सिर्फ 2 इमेज साथ में ये बन जाता है। सबके पास, सभी घरों में ये सारी चीज़ें होती हैं, अवेलेबल भी होती हैं और इनका घर में यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ही सिंपल वे है। और अगर ये आप जहाँ पर भी आपको टैनिंग हो रखी है, हल्की है या ज़्यादा है, तो आप इसको आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रहेगा ये रिमूवल आपके लिए और बहुत ही सिंपल है ये। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए मैंने ये कैसे बनाया है और कैसे यूज़ किया है अपने। मैं अपने हैंड पर ही करूँगी क्योंकि मेरे हैंड पर थोड़ा सा टैनिंग हो रखी है और इस वजह से थोड़े से वैसे लग रहे होंगे आपको थोड़ा अलग कलर, क्योंकि फेस पे ज़्यादा लाइटिंग ज़्यादा हो जाती है। और एक यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर जैसे अभी तो मैंने क्रीम वगैरह लगाई हूँ और परफेक्ट लगाया है, इसलिए इस तरह का फेस लगता है। बट और ये देखिए आपको सेम ही लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये लगता है क्योंकि फेस पर क्रीम होती है और कॉम्पैक्ट होता है। तो इस तरह का ये हैंड है मेरा। तो मैं लूप तो मैं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे यूज़ करना है, तो मैं कर रही हूँ। तो आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं इसको बनाना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने हनी लिया है, हनी के साथ ही इसको मैं बनाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और हनी बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, इसलिए मैं हनी ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है हनी और सिंपल भी होता है। हनी के साथ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो अच्छा रहता है हनी को यूज़ करना। और रॉ मिल्क भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसमें रॉ मिल्क डाल रही हूँ, बस इतना ही डालूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ हैंड पर अप्लाई करना है। अगर आपको फेस पर अप्लाई करना है या आपको पूरी बॉडी पर अप्लाई करना है तो आप थोड़ा ज़्यादा बना सकते हो। और मैं डालूंगी इसमें टमाटो का जूस। सारी इंग्रेडिएंट्स मैं थोड़ा थोड़ा ही डाला है और बस ये तीनों चीज़ों के साथ मैं ये रिमूवल, मतलब 10 रिमूवल बनाया है मैंने। और बहुत ही सिंपल है ये बनाना और आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो अपने हैंड्स पर। और ओवरनाइट भी आप इसको रख लीजिए, बस इसको आप अप्लाई कर लीजिए 5 से 10 मिनट्स तक अपने हैंड पर मसाज करिए और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश करके आप ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो आपकी स्किन एकदम हाइड्रेट भी होगी और आपका टैनिंग भी चली जाएगी आपकी। तो इसी तरह से ये बनाना है, बहुत ही सिंपल है ये बनाना। आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो स्किन पर भी, और मतलब अपने फेस की स्किन पर भी और हैंड पर भी, अपनी पूरी बॉडी पर जहाँ जहाँ आपको टैनिंग हो रखी है। तो इसी तरह से आपको 2 से 3 मिनट्स अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से, इस तरह से लोशन टाइप ये हो जाएगा। और अब इसको अप्लाई कर लीजिए अपने हैंड पर। तो मैं इसको ले लेती हूँ, ये देखिए, और इस तरह से आप लगा लीजिए अपने हैंड पर। मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए मैं सिर्फ यही लगा रही हूँ, ये देखिए। अभी मैं पूरे हैंड पर लगा लूँगी बाद में, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए सिर्फ इतना ही दिखा रही हूँ, ये देखिए। आप इसको 5 मिनट्स के लिए इस तरह से मसाज कर लीजिए, इस तरह से आप पूरे फिंगर्स पर, अपने पूरे हैंड्स पर, अपने फेस पर, जहाँ जहाँ आपको टैनिंग हो रखी है आप वहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली, फेस के लिए ऑयली है अगर, तो आप इसमें कर्ड डाल सकते हो, हनी के साथ कर्ड यूज़ कर लीजिए आप। तो इस तरह से
ये आपकी नकल्स जो काले काले से होते हैं, ये नकल्स, तो यहाँ पर आप ज़्यादा इसको अप्लाई कीजिए और ये आराम से ड्राई भी हो जाता है। इस तरह से मसाज करते करते ही ड्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप इसको 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए ऐसे छोड़ दीजिए, उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद जब वॉश कर लेंगे तो बस पैट ड्राई कीजिए। पैट ड्राई के बाद आप इसको ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ भी अप्लाई मत कीजिए अपने हैंड्स पर, मतलब या फिर फेस पर, जहाँ आप इसको लगा रहे हैं वहाँ पर, जैसे अपनी बॉडी पर फेस पर लगा रहे हैं तो भी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए धोने के बाद नॉर्मल वाटर के साथ, और या फिर आप अगर हैंड पर लगा रहे हो तो भी वॉश करके आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं और ड्राई हो जाने दीजिए, तो आप ऐसे ही सो जाइए ओवरनाइट में। इसको वॉश करके आती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने वॉश कर लिया है अपने हैंड को, और देख लीजिए आप डिफरेंट, देखिए आप ये देखिए और ये देखिए, दोनों ही सेम लग रहे होंगे आपको, क्योंकि इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है कैमरे में, लेकिन थोड़ा सा चेंज है हैंड पर आप जो बोलते हैं बोल दीजिए। अब इसको ऐसे ही ड्राई होने जाने दीजिए और आप ओवरनाइट के लिए ऐसे छोड़ सकते हो अपने फेस को भी और हैंड को भी। तो ये बहुत ही सिंपल वे है, आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो और इस तरह से आप तो यूज़ कर सकते हैं ये लोशन बहुत ही अच्छा है। आप इसको रोज़ बना लीजिए, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी टैनिंग है तो आप इसको रोज़ भी बना सकते हो, बना कर रख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है इसको बनाना और बहुत ही आसानी से बन जाता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे आप शेयर करेंगे सभी लोगों को शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप उसको भी देख पाएंगे वो वाला वीडियो जो न्यू होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बाय बाय। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं, आप लोग ये नहीं बताते हैं कि मेरी वीडियोज आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, ना ही आप लोग ये बताते हो कि और किस तरह के वीडियोस आप लोगों को चाहिए, मतलब किस तरह के वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो बनाती रहती हूँ वीडियोज, अगर आप लोगों को कभी भी अच्छे लगे तो आई होप आप लोगों को कुछ तो अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत मेहनत करती हूँ मैं, मतलब बनाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि किस तरह से क्या करूँ, क्या कैसे बनाऊँ, तो ये सब सोचने में टाइम लग जाता है और टाइम भी चाहिए होता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि बनाएंगे फिर उसको अपलोडिंग करेंगे फिर उसको एडिटिंग वगैरह सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है जब भी कोई भी वीडियो बनाते हैं तो, क्योंकि कट भी बहुत सारे हो जाते हैं, कभी कभी कट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस तरह से बहुत टाइम लगता है। लेकिन आप लोगों को सिंपल लगता है ये सारी चीज़ें, बट ये सिंपल नहीं है, ये सिर्फ दिखता है कि सिंपल है बहुत, कोई भी कर सकता है। तो मेरा हेड भी बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो आप देख सकते हो, और ये देखिए दोनों ही देख लीजिए, क्योंकि मैंने दोनों पर ही कर दिया था। देखिए आप फेस देख लीजिए और हेड देख लीजिए, सेम ही लग रहे होंगे, टेक्चर नहीं होता है कैमरे में, और कभी कभी ऐसा होता है कि फेस अलग दिखता है, हैंड अलग दिखते हैं, सभी के साथ ऐसा होता है, ये मेरे साथ ही नहीं सारे यूट्यूबर्स के साथ ऐसा होता है कि हैंड अलग दिखता है, आपका फेस अलग दिखता है, आपका नेक अलग दिखता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस पता नहीं क्यों कैमरे की वजह से ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पर, और बने रहिए मेरे साथ और मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ बने रहना। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय।